गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि ये बैठे हैं सामने सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं इनको कह रही हूँ कि आज चाय मुझे आप पिला दो, ये कह रहे हैं कि मैं बनाऊं। हम दोनों आपस में लगे हुए हैं, चाय आज तक अभी तक दोनों में से किसी ने नहीं पी। अब बताओ, चाय आप बना रहे हो या मैं बनाऊं? वैसे तो तू चाय तू बनाती है, तो तेरे को बनानी चाहिए। कोई ऐसा है कि जो काम करता है वही करेगा? कोई लिख के थोड़ा लाई हूँ मैं ऊपर से कि मैं इस घर में आई हूँ तो चाय मैं ही बनाऊंगी। ऊपर से लिखवा के नहीं लाई? हाँ ना, नीचे लिख दे। हाँ, मैं अभी कागज पेन देता हूँ, कागज पेन पे लिख दे। हाँ, ये नहीं होता कि मैं हमेशा के लिए, मेरी जिम्मेवारी हो गई चाय की। चल चल, चाय मैं बना देता हूँ, लेकिन मैं दूध में पत्ती डालूंगा, परवाह नहीं डालूंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दूध में पत्ती डाल के चाय बना देता हूँ। कोई बात नहीं, दूध में डालो पत्ती, में दूध डालो, दूध में पत्ती डालो। अपनी तो बनाऊंगा फीकी, तेरे को पता। हाँ, तो मैं अपने मीठा डालू, तू मीठा बाद में डाल लियो। ठीक है, मैं पहले फीकी बना के अपनी निकाल लेता हूँ, चाय के साथ रस वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद में अपना मीठा डाल के तो उसमें बना। चलो ठीक है, आप चाय बनाओ। गुड मॉर्निंग, आज तेरी मेरी चाय। गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज तेरी जो चाय है मेरी तरफ से। शाम को भी आप बनाओगे? नहीं सर, शाम को मैं बना दूंगी। ये काम गलत है। नहीं, शाम वाला काम नहीं, अब अभी मैं बनाया था। ठीक है, चलो अब जाओ रसोई में। आज जल्दी उठ गया, फ्री हूँ मैं तो, एक काम कर देता हूँ। चलो ठीक है। वैसे तो गाइज, आज इनसे चाय बनवाते हैं, दूध में पत्ती है तो अच्छा हो गया, कि आज तो पानी भी नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास है। तो पीते हैं चाय और फिर बताती हूँ कि कैसी बनी है। कोको जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, उठो उठ जाओ, चूहा आ गया, नीचे चूहा देखो। पूछी गुड मॉर्निंग, कैसे है ये? ये नहीं उड़ते। गुड मॉर्निंग, ओ गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए मेरी कोको भाई, लोटो भाई, इनके लिए चाय बनानी पड़ेगी। लोटो भाई नहीं, चलो अच्छा चलो 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 ठीक है, आप अपनी चाय रखो, जाओ मेरे पास बातें ना सुनो मेरी। ठीक है, बस मैं अभी अभी तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ निक्की के साथ। बाहर देख कौन बाल रहा है, कोई स्कूटी की आवाज आ रही है। काकू देख, मैं जा रही हूँ निक्की के साथ तिलक नगर, क्योंकि परसों है शादी सोनिया के भाई की लड़की की। तो सूट तो मेरे पास है, मैं तो सूट पहनूंगी गाइस। अब मेरे साथ उसके साथ के मुझे एयरिंग्स चाहिए, सुंदर से एयरिंग्स तो बहुत है, मगर सूट जब नया होता है ना तो दिल करता है कि एयरिंग्स भी नए होने चाहिए। आजा आजा अंदर आजा आजा। अच्छा अच्छा, तो दिल करता है कि नए एयरिंग्स होने चाहिए। तो मैं निक्की के साथ जा रही हूँ नए एयरिंग्स लेने, तो निक्की को भी कुछ लेना है, देख लेगी चप्पल वगैरह जो कुछ भी लेना होगा वो भी ले लेगी। देखो शादी पे जाना है, हर बंदे को होता है। डॉली भी लेके आई है, सोनिया तो अपने भाई के घर चली गई है कल से, क्योंकि आज सगन है, तो कल फिर मेहंदी की रात है, परसों है शादी सुबह की। तो सिख परिवार में शादी हो रही है, तो शादी दोपहर की है, तो हम लोग सुबह ही जल्दी से तैयार हो जाएंगे, देखते हैं। इसलिए मैं सूट पहनूंगी कि जल्दी जल्दी सूट पहन लेंगे, इतना झमेला नहीं होगा। साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनो तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सूट के साथ के मैं इयररिंग्स लेने जा रही हूँ। तो बस निक्की चाची देखी, नीचे निक्की चाची को बोल आ गई। चल, मैं यही कह रही थी कि मैं निक्की के साथ जा रही हूँ, आज निक्की को लेके जा रही हूँ शॉपिंग कराने के लिए। हाँ। निक्की जाती नहीं है, सब करके आए हैं, मेरा दिल करता है तू भी ले कुछ ना कुछ। चल हम दोनों चलते हैं, परसों है ना शादी, अभी कल का दिन बचा है, कल मैं कलर लगवाऊंगी, तो आज चलते हैं। हाँ तो कल लगा लियो, अच्छा आज लगा लियो, ठीक है फिर कल के सारे क्यों रहना। हाँ तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको तिलक नगर। बस अभी अभी हम अपनी दुकान पे आ चुके हैं भैया के पास। भैया हो गए, हरी हो कि मुझे अच्छे से इयररिंग्स दिखा दो एंटीक से। तो दिखाओ मुझे ये वाले, इस टाइप के हैं, दिखा रहे हैं देखो। अब आप ही अपनी पसंद के दिखाओ, बहुत सारे हैं, अब देखते हैं कौन से पसंद आते हैं। सेट तो बहुत सारे हैं, मगर सूट मैं कल दिखाऊंगी गाइस, पड़ा है, मगर अभी इयररिंग्स ले लेती हूँ, ठीक है ना? तू भी ले ले जो लेने हैं। बता कौन से जच रहे हैं? ये जच रहे हैं, ये जच रहे हैं। अब खाली गले में कुछ आना नहीं है, आना इयररिंग्स है। मेरे को इधर वाला, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये अच्छा भैया, आप बताओ, ये बढ़िया लग रहा है, फिर फाइनल कर दे। लॉक कर दे, लॉक कर दे इसको। और क्या बताओ, बस निक्की ने भी इयररिंग्स ले लिए हैं, मैंने भी इयररिंग्स ले लिए हैं, मैंने तो साथ साथ कड़ों का भी जोड़ा ले लिया, देख ले दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, बहुत कुछ ले लिया मैंने। अब चलते हैं कुछ खाने पीते हैं, और रौनक के जो जूते लेते हैं। हाँ, उसके जूते देखने है ना, तो सूट शर्ट जो लेना है चलते हैं, फिर टाइम से निकल पड़ते हैं। ये देख, अब चल के देख, देख चल के देख, तो वो कंफर्टेबल फील हो रहा है अपने आप को, देख तू चल के, ये भी तो दिन देखना है ना। नहीं वैसे तो कंफर्टेबल लग रही है, क्योंकि जो मेरे पास ब्लैक कलर की ना मैं अभी, वो भी पहनने में नॉर्मल में कंफर्टेबल ही लगती है। मेरे को साइज नहीं आएगा ना, ये मैं ले चुकी हूँ गोल्डन में, बिल्कुल सेम
तेरे को ये ब्राउन एक बात है, पैर पे तो जल रहा है ना, पैर पे जल रहा है क्योंकि इसका कंट्रास्ट दोनों का ना अच्छा हो गया है ना। हाँ नीचे का और ऊपर का, बाकी तू देख ले कि तेरे को क्या अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी भी तो देखो पसंद होती है ना। ये ऑफिस वेयर में भी सही रहेगी। हाँ नहीं ऑफिस में पार्टी वेयर तो देखो कभी कभी, देखो एक बात हम अब कब तक नहीं हम जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं क्या, हील पहनी हुई चप्पल के साथ पजामे के साथ पैरलर के साथ अच्छी लगती है, साड़ी के साथ सूट के साथ अच्छी लगती है, हील ही अच्छी लगती है। सब लाए हैं देख, सोनिया भी लाई है चप्पल, डॉली भी लाई है, मैं भी लाई, मेरा दिल था कि तू भी खरीदे भाई, मैं तेरे को चप्पल दिला के ही लूंगी। ठीक है ठीक है। बस हमने आके यहाँ पर ब्रेड पकौड़े ले लिए हैं, निक्की ने भी ले लिया है, अब हम अपना एक एक खा लेते हैं और रौनक के लिए ले चलेंगे। ठीक है हाँ ठीक है। आज निक्की के साथ शॉपिंग करके गाइस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बड़े दिन से कह रही थी कि मैं निक्की को चप्पल दिलाऊंगी, सबने लिया है, मेरा बड़ा दिल था कि सबने लिया है तो ये क्यों नहीं ले रही। मैं इसको कहती थी नहीं मुझे चप्पल नहीं चाहिए, मेरे पास चप्पल है तो होता तो सब कुछ ही है, पर मेरा बड़ा दिल था। आज मैं इसके साथ गई, आज हमने खाया पिया भी सही बाजार से, और साथ में इसको मैंने चप्पल भी लेके दिए, और रौनक ने भी जूते लिए अपने कोट पैंट के साथ के, इसको मैंने इयररिंग्स भी दिलाए छोटे से, ठीक है बड़े नहीं पहनती है, अपना अपना देखो सबका शौक होता है तो छोटे से, बड़े तो पहनती है शादी पार्टीज पे पहनती है, जैसे मैं ये पहनती हूँ इतने बड़े मैं पहन लेती हूँ, तो निक्की इतने बड़े नहीं पहनते, तो मैंने छोटे से इसको दिलवाए हैं, अच्छे हैं मल्टी कलर के, बहुत सुंदर है। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि मुझे अच्छा लगा कि इसको शॉपिंग बता, आज निक्की के साथ शॉपिंग करके अच्छा लगा और इसको मैंने दिलवाया, ये ले नहीं रही थी। आपको ये नहीं है कि ये इसको शुरू से ही नहीं पसंद गाइस कोई चीज़ लेना, ये लेती ही नहीं है, बस रहन दो क्या करनी है, ये पड़ी हुई है। देखो हर किसी की अपनी नेचर होती है तो चीज़ तो सबको चाहिए होती है, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैं तेरे को दिलवा के दम लूँगी। तो आज बहुत अच्छा लगा गाइस, इसने आज शॉपिंग की ना बहुत अच्छा लगा कि आज काफ़ी टाइम से इसने शॉपिंग नहीं की, इसका दिल नहीं करता था करने का, देखो होता ही है आपको पता ही है, नहीं दिल करता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तो तू मेरे से शॉपिंग कर, आज मैं तुझे शॉपिंग करवाऊँगी ही करवाऊँगी। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा कि आज इसने सामान खरीदा मेरे साथ। देखो गाइज मैं इसके साथ आके बैठ गई हूँ तो इसकी पूछ लेनी शुरू हो गई है, ये सोचती होगी मेरी मम्मी अपनी शॉपिंग करके आती है, सबकी शॉपिंग करके आती है, मेरे लिए तो करती नहीं है, तो मैं इसके लिए भी करती है। कन्नू भाई तेरे लिए शॉपिंग करता है, कन्नू तेरे लिए सामान लेके आता है, गोलू दीदी ने ऐसा टॉप लेके दिया था, ये मैं तेरे लिए भी लेके आई थी। तो गाइज ये जब मैं आती हूँ बड़ी खुश हो जाती है, मेरे को देख के बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश होती है ये। पता नहीं पिछले जन्म में ये मेरी बेटी थी जो इस जन्म में ये इस रूप में आई है, पिछले जन्म में भी मेरी बेटी थी, मुझे बहुत प्यार करती है गाइज, ये प्यार करती है, ये प्यार करती है। कपड़े बिल्कुल गाइस सूखते नहीं है, ये मैं ऊपर से कमरे से उतार के लाई हूँ कपड़े और डाल के आई हूँ, अभी हीटर चलाऊंगी तो हीटर के आगे कपड़े सुखाऊंगी। ये भी कन्नू की देखो अभी तक गीली है, एक बार वाइट टी शर्ट चलती है और चार दिन तक सूखती नहीं है। कोको ने तो अपनी रोटी खा ली है, मगर पूछी ने अपनी रोटी छोड़ दी है। पूछी क्या बात है, जल्दी से आ जा, जल्दी आओ पूछी, बेटा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या, ले मुंह छुपा लिए, आज रोटी खा लो, पोती खा लो अपनी, नहीं चलो मैं खिलाती हूँ, आ जाओ मैं खिलाऊ, आओ आओ मैं खिलाऊ, आ जाओ आओ। रात के 12 बज गए हैं, निक्की मुझे चाय देके गई है, मैं इसको कह रही थी कि चाय बनाओगे, कह रही हाँ फिर आधा कप चाय, मैंने तो कहा था आधा कप देके जाए, तो आधा कप रात के 12 बजे गाइस चाय बन रही है, आप भी पी लो। अमन और उनके दोनों बेटे गए हुए हैं सगन पे, तो बस मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि सोनिया कैसी लग रही होगी, क्योंकि सोनिया इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती है, उसको नहीं इतना पसंद, मगर अब भाई की लड़की की शादी है तो तैयार तो हो ही होगी, सब पार्लर से तैयार हुए होंगे, तो मैं यही वेट कर रही हूँ कि कब अमन आएगा, कब दोनों बच्चे आएंगे और कब मुझे फ़ोटो आके दिखाएंगे। मैं सोनिया को कहा भी था कि सोनिया तू मुझे तैयार होगी तो मुझे फ़ोटो व्हाट्सअप कर दियो, शायद उसको नहीं टाइम मिला होगा, अब जैसे इशू आता है दोनों भाई आते हैं मैं पहले देखूँगी कि सोनिया कैसी लग रही है, क्योंकि मतलब घर का मेंबर है ना तो होता ही है, जब मैं तैयार होके आती हूँ तो उनको लगा रहता है कि भाभी कैसी लग रही है, फटाफट नीचे आके मुझे देखती हैं आके कि भाभी कैसी लग रही है, तैयार होके आई है, सूट अच्छा लग रहा है, तैयार अच्छी हुई है, कौन सा स्टाइल किया है। ऐसे मुझे भी हो रहा है कि सोनिया ने भाई कैसी लग रही थी, ड्रेस तो मुझे पता था उसने कौन सी पहननी है, मगर ये नहीं लग रहा था कि वो कैसे स्टाइल करेगी, कैसी कैसी लगेगी, कैसी मतलब कि इयररिंग्स पहने होंगे, कैसी लग रही होगी, और ग्रीषा कैसी लग रही होगी, ग्रीषा की मम्मी कैसी लग रही होगी। तो बच्चे आए तो मैं वेट कर रही हूँ उनकी, दरवाजे को मैंने अभी भाई ताला नहीं लगाया, मैं कहा आए तो पता चले,
तो बस आज का गाइस ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, और हमारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसको भी जाके जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं, वहाँ भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। गुड नाइट, बाय।